खेती होता है। आज परेशानी है, लोगों को धान ठीक पेरन तैयार है, सांस चल रहे हैं, लोगों की रात इस बरसात में अपने घर में बीत रही है, बीत रही खेतों में साल को खाने की, उस पर कोई चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी नोटिस लिया था और मार्च के महीने कहा था हम इसके लिए कोशिश करेंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं। अब वीरेंद्र प्रसाद कहते हैं कि बीजेपी की सरकार ने सिर्फ राज्यों से टकराने का काम किया। इन्होंने ठगा, भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, लोग करोड़ों नौकरी हड़ताल, भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, सब उन्हें महामारी दूर चलेंगे, भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, किसानों की आमदनी हम दूनी करेंगे, भाइयों बहनों सारा धन हम लाएंगे, कुछ हुआ इसको। अगर इस चुनाव को सीएम योगी ने दिन कर लिया तो समाजवादी पार्टी के लिए भी ये बहुत फायदा रखता है। एक तो अखिलेश के साथ करने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा में उनकी ऐतिहासिक जीत कोई उपला नहीं, तो 2027 के चुनावों के लिए भी वो चुनाव जीत कर कार्यकर्ताओं में जोश होना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी ने अभी 2027 में यूपी के चुनाव के लिए दम भरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी पीडीए इतना जबरदस्त कर रहा है पड़ेगा कि 27 में हमारी सरकार बनेगी, और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लीजिए हमारे पास आइए, हमारा नहीं छोड़िए। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा, मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूँ। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को 2027 के यूपी चुनाव का सेमी फाइनल माना जा रहा है। लोकसभा में 37 सीटें जीत कर आई समाजवादी पार्टी का मनोबल हाई है, तो लोकसभा में मिली यूपी में हार के चलते ही सीएम योगी ने इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा और नाम की लड़ाई बनाई। ये बात समाजवादी पार्टी भी समझ रही कि मिल्कीपुर और कटेरी विधानसभा सीट को जीतने के लिए सीएम योगी पार्टी स्थापित करेगी। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी की खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कई तरीके हो सकते हैं इस खबर को देखने के, एक ये भी है कि जिस अवधेश प्रसाद को देखे, अभी भी हम उन दोनों के बीच में यही तस्वीर चल रही है, लगभग पार्लियामेंट में चाहे राहुल गांधी है चाहे अखिलेश यादव हो, सबने एक ट्रॉफी की तरह, मतलब लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी विनिंग ट्रॉफी उनके लिए अवधेश प्रसाद थे, फैजाबाद सीट जीतने वाले, उनको उतारा गया उस तरफ से, तो खुद योगी आदित्यनाथ को इधर से मोर्चा संभालना पड़ रहा है कि लोकसभा चुनाव का ही साइड करें। बिल्कुल अंजना, इसको एक और तरीके से देखा जा सकता है कि नाक की लड़ाई और प्रतिष्ठा की लड़ाई तो बन ही गई है, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी बनाम अखिलेश यादव चाहते हैं कि ये अवधेश प्रसाद हो जाए, और आज अवधेश प्रसाद जिस तरीके से दहाड़ रहे हैं, जिस तरीके से प्रभारी बनना बनाए जाने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस से उन्होंने बात की है, और आप देखें चुन चुन करके उनके शब्दों को इस तरीके से अमूमन दहाड़ के वो बोलते हुए कभी देखे नहीं गए, लेकिन अब अखिलेश यादव को उन्हें आगे कर दिया है कि अयोध्या के लिए अब प्रभारी भी वही रहेंगे और बोलेंगे भी वही। बीजेपी को यह सूट करता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने होते अखिलेश यादव, लेकिन बहुत ही होशियारी से ये आगे कर दिए गए हैं, और अब बीजेपी को अवधेश प्रसाद को काउंटर करने में मुश्किल आएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो दलित बिरादरी से हैं, तो ये एक इस पे दूसरा नया एंगल है, लेकिन निश्चित तौर पर अंजना ये लड़ाई ना कोई लड़ाई है, और अब जिस तरीके से सपा ने इसको ले लिया है अपने कंधे पर या अपने दिल पर, ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल, और ये दिलचस्प लड़ाई अब जनता ही उसमें फैसला करेगी, 10 सीटों का उपचुनाव किसी मेगा ब्लॉक बस्टर से कम नहीं होगा। बहुत धन्यवाद आपका तुम्हारे पीछे इस खबर पर हमारे साथ स्पेशल रिपोर्टर जुड़ने के लिए। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले चुनाव की सियासी बरसात दिख चुकी है, एक तरफ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर है, तो दूसरी तरफ इस चुनाव में ही बीजेपी की टॉप लीडरशिप का बड़ा इंतजार, ऐसा क्यों आपको रिपोर्ट में। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य की अग्नि परीक्षा,
भूपेंद्र चौधरी को दिखानी होगी अपनी ताकत। संगठन बनाम सरकार के फैसले की खबर। यूपी बीजेपी में अंदर खानी जारी की निशान में फिलहाल उपचुनाव होने तक सीज फायर का राउंड शुरू हो गया है, यानी उपचुनाव के नतीजों से यूपी बीजेपी की टॉप लीडरशिप का भविष्य तय होगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ अब यूपी के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजों पर किसी ऐसा क्यों पहले ये समझ। अयोध्या के मिल्कीपुर और अम्बेडकर नगर की कटेहरी सीट की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी ने अपने हाथ में ली, मतलब 2027 से पहले योगी ने सबसे बड़ी चुनौती से गुजरने का टास्क अपने हाथ में लिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जिम्मे फूलपुर और मंझुआ सीट, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को शीशाबो और कहल की सीट जिताने का जिम्मा सौंपा गया, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मीरापुर और कुरंदकी विधानसभा सीट पर अपनी ताकत दिखानी। सरल शब्दों में समझें तो यूपी के चारों बड़े नेताओं की बड़ी और कड़ी परीक्षा उपचुनाव में पड़ी। चुनाव को लेकर के सीतामऊ जो विधानसभा यहाँ की है उसको लेकर के हमारी पार्टी के सब लोग बहुत उत्साहित हैं और बाकी के चुनाव विधानसभाएं उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि इस चुनाव को लेकर तैयारी पूरी है और यही चुनाव बीजेपी के अंदर सरकार बनाम संगठन की तरह में निर्णायक भूमिका निभाएगा। भले ही दिल्ली दरबार में आजादी के बाद सीएम और डिप्टी सीएम कई मौकों पर एक साथ दिखे, यही संदेश देने की कोशिश की गई कि पार्टी के अंदर कोई खटपट नहीं, लेकिन संगठन बनाम सरकार की जंग को लेकर अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने बीजेपी की अंदरूनी फाइट को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, और आपसी खटपट का क्या, अंदरूनी बात दरदेरी या दबा दी गई, खत्म हुई रात तकरार या छोटी मुस्कानों से ढकी गई है दरार, कई हैं सवाल। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के बहाने अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे। इससे पहले बीजेपी में खींचतान के सियासी एपिसोड को लेकर अखिलेश यादव दो बड़े दावे कर चुके हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ इसके बारे में भी बात कहता हूँ। सुनने में आ रहा है कि अंदर झगड़ा है, झगड़ा अंदर ही नहीं है, दिल्ली तक झगड़ा है, तो विपक्ष के लोग कुछ तो ऑफर करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से कोशिश में लगा है कि कोई बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए, तो अगर उस पर बैठने के लिए अगर कोई ऑफर दें, आश्वासन दें, सवाल ये कि वो कितना खुद ताकतवर, हमारे बैठाने से कोई नहीं बैठेगा, हमारे ऑफर से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने जा रहा है, लेकिन कम से कम उन्हें तो प्रयास करना चाहिए। प्रयास चल रहा है तो चल रहे हैं कि मौर्य जी मोहर